हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बोर्डमास रूल। बोर्डमास का फुल फॉर्म क्या होता है, बोर्डमास क्या होता है और बोर्डमास के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि बोर्डमास का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बोर्डमास का फुल फॉर्म होता है, बी से होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट को हिंदी में कोष्टक बोलते हैं और ये ब्रैकेट तीन प्रकार का होता है, एक छोटी ब्रैकेट, मध्यम ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर मध्यम ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। बी के बाद है ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ को हम का बोलते हैं हिंदी में और इसको गणित में यानी मैथ्स में लिखते हैं गुना। इसके बाद है डी। डी को इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइड और हिंदी में बोलते हैं भाग। इसको मैथ में हम इस प्रकार से लिखते हैं। इसके बाद है एम। एम से होता है मल्टीप्लाई, जिसको हिंदी में गुना बोलते हैं और गुना का ये सिंबल होता है। इसके बाद है ए। ए से होता है एडिशन, एडिशन को हिंदी में जोड़ बोलते हैं और ये जोड़ का सिंबल है। इसके बाद है एस। एस फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाओ और घटाओ को हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो सबसे पहले बोर्डमास में हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में छोटी ब्रैकेट, फिर मध्यम ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट। इसके बाद ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो इस प्रकार से हम बोर्डमास को सॉल्व करेंगे। चलिए अब इससे संबंधित कुछ अच्छे सवाल कर लेते हैं। तो पहला सवाल है, 10 भागा 5 गुने 4 प्लस 6 माइनस 2। यहाँ पर ये सवाल है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें कौन कौन सा चिन्ह है, सिंबल है। भागा का है, गुना है, जोड़ है और घटाव है, ठीक। तो बोर्डमास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम भाग का क्रिया करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, इसके बाद घटाव करेंगे, ठीक है। इसमें देखेंगे भाग कहाँ पर है, यहाँ पे भाग है। तो भाग वाले संख्या को पहले हम भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, क्योंकि 5 के टेबल में 10 कितने बार में आता है, 2 बार में। तो यहाँ 2 लिख देंगे। फिर बाकी चीज ऐसे लिख देंगे, गुने 4 प्लस 6 माइनस 2, ठीक। भाग का क्रिया हो गया। इसके बाद है गुना का, फिर गुना करेंगे तो 2 को 4 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 8। फिर क्या है, प्लस 6 माइनस 2, तो गुना भी हो गया। अब अगली बारी है जोड़ की। तो 8 और 6 को जोड़ देंगे, 8 6 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14, फिर माइनस 2, 14 में से 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा 12। तो इसका फाइनल आंसर आ गया 12। दूसरा सवाल है, 4 प्लस 6 भागा 3 माइनस 3 गुने 2, ठीक है। इसमें भी क्या क्या है, भागा है, गुना है, जोड़ है और घटाव है। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, भाग को सॉल्व करेंगे। तो भाग कहाँ, यहाँ पर है। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इसको पहले ऐसे लिख देंगे, 4 प्लस इसे सॉल्व करेंगे तो 6 के 3 के टेबल में 6 2 बार में आता है तो यहाँ 2 लिखेंगे, फिर माइनस 3 गुने 2। अब क्या करेंगे, अब गुना को सॉल्व करेंगे। भाग के बाद क्या है, गुना है। तो 4 प्लस 2 माइनस इसको गुना करेंगे तो 3 दूनी 6। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 2 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6, फिर माइनस 6, तो 6 में से 6 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0। तो इसका फाइनल आंसर आ गया 0। तीसरा सवाल है जो ब्रैकेट के अंदर है, 4 प्लस 9 भागा 3 गुने 5, ये ब्रैकेट के अंदर है, फिर प्लस 9 माइनस 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है उसे सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर पहले हम डिवाइड यानी भाग को सॉल्व करेंगे, फिर गुना को करेंगे, फिर जोड़ को करेंगे, इसके बाद हम बाहर वाले से इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करेंगे, भाग को। तो लिखेंगे 4 प्लस इसे सॉल्व करेंगे तो 3 के टेबल में 9 कितने बार में आता है, 3 बार में। तो यहाँ 3 लिखेंगे गुने 5 प्लस इसको एज इट इज लिख देंगे, 9 माइनस 2। फिर ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस अब गुना करेंगे तो 3 पंचे 15, फिर प्लस 9 माइनस 2। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 प्लस 15 को तो आ जाएगा 19,
फिर बाहर में है 9 माइनस 2, अब इन दोनों को जोड़ेंगे 19 प्लस 9 तो ये आ जाएगा 28 माइनस 2, अब घटाएंगे तो 28 में से 2 गया 26, तो ये इसका आ गया फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से हम ब्रैकेट वाले सवाल को आसानी से सॉल्व करते हैं। आई होप आपको अच्छे से बोडमास रूल समझ आ गया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। धन्यवाद।